हाईकोर्ट में प्रतिवाद जुलूस में ममता के सांसद कल्याण बैनर्जी ने खोया आपा, हाथापाई की नौबत। आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाली घटना को लेकर सोमवार को कोलकाता में हाईकोर्ट परिसर में कलकत्ता हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने प्रतिवाद जुलूस निकाला और न्याय की मांग की। इस जुलूस में दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर सभी सियासी मतों से संबंध रखने वाले वकीलों ने भागीदारी की। इसमें पश्चिमी बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी भी शामिल थे, तो माकपा से जुड़े पूर्व मेयर विकास रंजन भट्टाचार्य भी थे। जुलूस समाप्ति की ओर था और तभी घटना को लेकर एक वकील की बात पर कल्याण बैनर्जी ने अपना आपा खो दिया और टिप्पणी करने वाले वकील से तू तू मैं पर उतारू हुए, तो नौबत हाथापाई तक आ गई। लगभग मारपीट भी हो गई। फिर जैसे तैसे साथी वकीलों ने उन्हें अलग किया और सांसद कल्याण बैनर्जी को शांत कराने के क्रम में एक किनारे पर लेकर चले गए। हाईकोर्ट परिसर में वकीलों का प्रतिवाद जुलूस मृत छात्रा को न्याय दिलाने की मांग पर निकला और पूरे परिसर का भ्रमण करने के बाद समाप्ति के चरण पर पहुंचा ही था कि यह वाक्या हुआ। प्रतिवाद जुलूस में साथ चल रहे पूर्व मेयर विकास रंजन भट्टाचार्य ने मीडिया को पूरे घटनाक्रम पर अपनी कुछ टिप्पणी की, जिस पर पास मौजूद सांसद कल्याण बैनर्जी ने आपत्ति जाहिर की। कल्याण बैनर्जी बोले, आरजी कर की घटना को लेकर हम भी दुखी हैं, हम भी मामले में छात्रा के लिए न्याय ही चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पूरे मामले में मीडिया में जाकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। गलत बयानी करने वाले ऐसे लोगों के पास यदि कोई सटीक जानकारी हो तो वह सीधे मामले की जांच कर रही सीबीआई को दे। वैसी अहम जानकारियां सीबीआई को देने की बजाय केवल मीडिया में क्यों दी जा रही है? मामले की जांच में सीबीआई भी लेट कर रही है। न्याय में देरी अन्याय का प्रतीक है, जबकि तृणमूल नेत्री ने पहले कोलकाता पुलिस को रविवार तक ही मामले का खुलासा कर देने को कहा था। कल्याण बैनर्जी का इतना कहते ही विकास रंजन भट्टाचार्य के सहयोगी वकील ने टिप्पणी कर दी, तो फिर कल्याण बैनर्जी से पूर्व मेयर के सहयोगी वकील की तीखी बहस और मारपीट शुरू हो गई। वहीं अब यही सवाल तृणमूल सांसद कल्याण बैनर्जी की बेटी और हाई कोर्ट की वकील प्रीमिति बैनर्जी ने उठाया है। वह सोमवार को अन्य वकीलों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। आरजी कर घटना के विरोध में सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील सड़कों पर उतर आए। वकीलों ने बिना किसी नारे के केवल बैनरों के साथ मार्च निकाला। प्रीमिति बैनर्जी ने कहा, मैं जांच के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन जो हुआ वो सही नहीं था। लोग न्याय के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, हम वकील भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठे हैं। आरजीकर में आधी रात को किए गए हमले में पुलिस की निष्क्रियता के आरोप से शुरू होकर रविवार को फुटबॉल क्लब के जुलूस पर पुलिस के लाठीचार्ज ने पुलिस की भूमिका को संदेह के घेरे में ला दिया है। वकील प्रीमिति बैनर्जी के पिता कल्याण बैनर्जी न सिर्फ वकील या सांसद है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक है। हालांकि उनकी बेटी प्रीमिति का दावा है कि वे किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी है और उनका मानना है कि गलत काम का विरोध करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।